أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المدين لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسكودا بزرقته قصة مختصر جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله يا غبي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعزويم سلطانك وابشرح اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي रबनी 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 असलम आलकमल वबरकू मैं हाफिज़ा इफरा जावेद इस्लाम आप सब लोगों से मुखाब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सब लोगों को खुश शामीद कहती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे ज़िंदगी पुरसकून पुरमान और ईमान बलखैर गुजर रही होगी सूरत उत्साह उर्दू तर्जमा और तफसर इसकी आयत नंबर 139 तक हम गुजशत बाग में पढ़ चुके हैं आज के सबक में आयत नंबर 140 से बायदा आगाज़ कर रहे हैं अल्लाह से दुआ है कि मेरी ज़ुबान पर हक बात को जारी फरमाए और हम सब को इलमे और ख़ैर खैरता फरमाए आयत नंबर 140 में अल्लाह जबाद फरमाता है और बेशक अल्लाह तुम पर किताब में ये हुक्म नाजिल फरमा चुका है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा है और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है तो इन लोगों के साथ ना बैठो जब तक वो किसी दूसरी बात में मशगूल ना हो जाए वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे बेशकल्ला मुनाफिकों और काफिरों सब को जाननों में इकट्ठा करने वाला है देखें अल्लाह रबुलामी ने इस आयत में जो हुक्म दिया ये बुरी महफिल बुरी मजलिस से बचने का हुक्म है वो मजलिस जहाँ पर अल्लाह और उसके दीन की बात नहीं की जा रही दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है ऐसी मजलिसों से दूर रहो रब फरमाते नहीं तो तुम भी वैसे हो जाओगे यानी इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है जैसे कि मजलिस जैसे कि बैठक उसकी होगी वो दानिस्ता ना दानिशा तौर पर ही खुद ब खुद वैसा होता चलता जाएगा जिसके बारे में एक मुहावरा है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है तो ये वो बात है कि जब हम ऐसे लोगों से परहेज़ नहीं करते जो जिनके सामने दीन की कोई इज्जत नहीं है दीन की कोई वक़त नहीं है जो मुफ्तीन कराम को बातें सुना देते हैं बातें लगा देते हैं जो कि कराम की इज़्ज़त नहीं करते जो कराम को चार चार बातें सुना देते हैं अपनी मजलिसों में बैठ के जो कि कुरान हदीस में जो फ़ायदे की बात है उस पर तो बहस करते सो करते लेकिन जो जिसमें अपना नुकसान नज़र आ रहा हो अपने नफ्स का नुकसान नज़र आ रहा हो हालाँकि कुरान की या हदीस की किसी बात में कोई नुकसान नहीं है इंसान के भले के लिए लेकिन जो इंसान को लग रहा हो कि ये मेरे लिए मुश्किल है उसके बारे में बात करना उसका मजाक उड़ाना या उस हुक्म के बारे में इस तरह बातें करना ऐसी मजलिसों से दूर रहा जाए क्या कहा जा रहा है रह फरमाता वक्त तहक़ीक मैंने तुम पर यह हुक्म नाजिल कर दिया है मैं नाजिल फरमा चुका हूँ ये हुक्म कि तुम्हें ऐसे कि बुरी मजलिसों से दूर रहना है वरना तुम भी ऐसे हो जाओगे उस दौर में भी मुसलमान थे ना जिस तरह हमने इससे पिछले सबक में हमने पढ़ा के मुसलमानों को जो है वो इस बात से मना किया गया कि कुफार से दोस्ती नहीं रखनी कुफार की मोहब्बत अपने दिल में नहीं रखनी अभी शायद में क्या कहा जा रहा है कि ऐसी मजलिसें यानी उस वक़्त भी कुरान करीम की आयत जब ये नाजिल हो रही थी जब ये कुरान करीम नाजिल हो रहा था तो वो मुनाफिकन और कुफ़ार क्या करते थे कि नबी करीम सली वसलम की मौज़ात उनके मोजात उनकी ज़ात वफ़ात के उनके कमालत के इनकारी थे उनका मजाक उड़ाने वाली कौम थी हुँ? और फिर कहा गया इस आयत में मुसलमानों के कि ममिन हो तुम उनकी हिमायत के लिए उनके हाँ उनसे उनके पास बैठने उनकी इस तरह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या दीन इस्लाम की शान में वो गुस्ताखी जो करे बकवास करते वो सुनने के लिए उनके पास हरगिज़ ना बैठो उनसे इलीहद हो जाओ जब तक वो दूसरी बातों में मशगूल ना हो जाए याद रही ये जो बात है कि जब तक वो दूसरी बात में मशगूल ना हो जाए फिर दूसरी बात पर उससे मुराद ये कि अगर वो हमारे दीन की तस्लील वाले टॉपिक पर नहीं है तो ज़रूरत के तहत उनके करीब जाया जा सकता है अब इस ज़रूरत से क्या मुराद है दीन की तबलीग देखिए उनके करीब इस सूरत में ही जाया जाए ना कि उन्हें दीन की तरफ़ दावत दी जाए और उन्हें उनके ये जो गुनाह कर रहे हैं ये जो गलत काम कर रहे हैं उनको रियलाइज़ करवाया जाए उन्हें दीन दीन हक़ की तरफ दावत दी जाए तो फिर उस सूरत पे उनके पास जाके तुम ज़रूरत की हद तक बैठ सकते हो क्यों मना किया गया कि कुफार की जब ऐसी हालत हो ऐसी नशस्त हो ठीक है कि वो दीन के ख़िलाफ़ कुछ भी बकवास कर रहे हैं तो तुम उनके करीब ना जाओ वरना वजह क्या बताई कि तुम उन्हीं की तरह के हो जाओगे हुं? तो इसलिए बुरी मजलिस बुरे दोस्तों की सोहबत से बचना चाहिए ठीक है मुनाफिकीन और कुफ़ार से हर हद तक परहेज़ रखना चाहिए और दीन की तबलीग के सिलसिले में या जो बहुत ही शर्ी तौर पर ज़रूरी काम है उसके सिलसिले में उनके करीब जाया जा सकता है उनसे बात की जा सकती है अदरवाइज़ इस तरह की सहबत से बचा जाए तो बहुत, बहुत बेहतर है आयत नंबर वन फोटी वन और जो तुम्हारे ऊपर गर्दिश ज़माना का इंतजार करते रहते हैं मैंने पिछले सबक में भी ये बात को एक्सप्लेन किया था कि वो तो दिल से राजी ही नहीं है मोमिन से मुनाफिकीन तो किसी भी तरह से दिल से राजी नहीं वो तो गर्दिश ज़माना यानी बुरे हालात के आने का इंतजार करते हैं कि मोमिन पर किसी तरह किसी तरह तंगी आए और हमें खुशी हो हमारे नफ्स को सुकून मिले हुं? रफ फरमाते इनकी आदत क्या है कि ये कहते हैं फिर अगर अल्लाह की तरफ़ से तुम्हें फ़तह मिले तो कहते क्या हम तुम्हारे साथ ना थे और अगर काफिरों के लिए फता का हिस्सा हो तो इनसे कहते कि हम तुम पर गालिब न थे और क्या हमने मुसलमानों को तुमसे रोके ना रखा यानी जब फ़तह आती मुसलमानों के हाथ में तो माल गनीमत का हिस्सा लेने आ जाते हुँ? और आ जाते कि हम भी तो तुम लोगों के साथ मुसलमान भाई हैं हमारा भी तो शरीक बिल्कुल हिस्सा मिलता है हमारा हिस्सा बनता है इस माल में और हम तो तुम्हारे साथ ही हैं मुसलमान हैं हमें महरूम ना रखा जाए फिर जब काफ़िर फता ले ले मुसलमानों को किसी तरह से नुकसान पहुँचे तो काफ़िरों के पास जाके कहते कि हमने मुसलमानों को तुमसे रोके ना रखा यानी हमने तुम्हारी तरफ़ से तुम्हारा हमारी रोब वाली बातें मुसलमानों को ना बताई हमने जंगों में ये अहम किरदार अदा किया कि हम मुसलमानों को उनके पाँव लड़खड़ाने की कोशिश करते थे हम मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश करते रहे हमने सब कुछ तुम्हारे लिए किया तो अगर वो काफिर जीते तो उनके पास चले जाते कि दो अब हमारा हिस्सा हम्म तो फिर उनके पास जाते और फिर उनको अपनी दोस्ती की बढ़ा चढ़ा कर बातें बताते कहते कि हमने मुसलमानों के दिलों में रोब डालने बड़ी की बड़ी कोशिशें की हैं हमने तुम्हारा काम किया हमने तुम्हें मुसलमानों से बचाया लिहाजा अब तुम्हारी फतह हुई है तो अब हमें हासिलशुदा माल में से थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दो तो ये था रवैया मुनाफिकीन का हुँ? वो मुसलमानों के साथ किया करते थे और काफिरों के साथ दरमियान में अब इनका अंजाम क्या अब हम पूरे रुकू में हम इसी की डिटेल पढ़ेंगे ये मुनाफिकीन ऐसा क्यों करते थे मुसलमानों से उनके जो है वो अगर मुसलमान उनके ख़िलाफ़ जिहाद ना करते हैं उनसे जंग से उनसे से खौफ़ से जानों के जाने से मुसलमानों से बचने की वजह से कहते थे हम मुसलमान हैं काफ़िरों से बचने के लिए काफ़िरों के पास जाके कहते थे हम तुम लोगों के साथ हैं और दर हकीकत वो उनके साथ ही होते थे वो मुसलमानों के साथ नहीं होते थे क्योंकि नुकसान सिर्फ़ महज और महज मुसलमानों को पहुंचता था रफ फरमाता है तो अल्लाह तुम्हारे दरमियान क्यामत के दिन फ़ैसला करेगा और अल्लाह काफ़िरों को मुसलमानों पर कोई राह ना देगा यानी मुसलमान ही रहेंगे गलबे में दुनिया में भी और आख़रत में भी हकीकी गलबा मुसलमानों का ही है लिहाजा अल्लाह इनके दरमियान फ़ैसला कर देगा कि ये जो इस्लाम को मटाने की कोशिशों में लगे हुए थे क्या ये इसमें कामयाब हो सके और क्या ये जो अपने आप को ज़ाहरी तौर पर मुसलमान कहते थे ये मुसलमान हक़ीकी तौर पर बन सके यकीन नहीं और इनका इनके सामने इनके अमाल करके दिखा दिए जाएंगे बरोज़ क्यामत के आयत नंबर वन फोर्टी टू देखिए बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब देना चाहते हैं और वही इन्हें गाफ़िल करके मारेगा और जब नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो बड़े सुस्त होकर लोगों के सामने रियाकारी करते हुए खड़े होते हैं और अल्लाह को बहुत थोड़ा याद करते हैं अब इस आयत में ज़रा गौर कीजिएगा आयत में क्या है बेशक ये अपने गुमान में अल्लाह को फरेब देना चाहते हैं अब देखें वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम को मकरो व फ़रेब नवज़बिल्ला देना चाहते थे ना वो तो उनको देख धोखा देना चाहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु सलील वसल्लम को क्योंकि उनका मुकाबला नबी से था तो अल्लाह ने ये क्यों कहा कि अल्लाह ने क्यों इशाद फ़रमाया कि वो अल्लाह को धोखा देना चाहते थे क्योंकि दर हकीकत अल्लाह ने फ़रमाया कि मैं और मेरा नबी एक हैं मेरी अतात मेरे नबी की अतात इज़ इक्वल्स टू मेरी अतात हमने पिछली से पिछली पिछले सबक में जो हमने आयत में पढ़ा कि वो फतवा मांगते हैं आपसे तो फतवे का जवाब कौन दे रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु सलील वसल्लम को अल्लाह अल्लाहल दे रहा है फिर अब इस आयत में क्या धोखा देने की कोशिश वो कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु सली वसल्लम को लेकिन अल्लाह ने फ़रमाया वो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हकीकत में वो खुद धोखे में है बहुत बड़े धोखे में है क्योंकि वो अल्लाह को उसके रसूल को धोखा नहीं दे सकते अल्लाह फरमाता है वो इन्हें गाफिल करके मारेगा और जब गाफिल करके मारे दुनिया की मोहब्बत में इसी अपने धोखे में कि वो ये समझते हैं कि वो मुसलमानों को या नबी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं हकीकत में वो इसी गा गफलत में है इसी धोखे की मौत ही ये मरेंगे और फिर इनका अंजाम अगली आयत में आ रहा है क्या होगा फिर सुनाए जब नमाज़ के लिए खड़े होते हैं अब देखिए मुनाफिकीन पर ना फ़जर की और इशा की नमाज़ बहुत भारी होती है अभी शायद पे ज़रा उस दौर के मुनाफिकीन पे भी गौर कीजिएगा और ख़ुद पर भी गौर कीजिएगा वो मुनाफिकीन पे क्यों भारी थी कि जो जहर असर मगरब है ना वो तो बाजमात चलते फिरते थे ना तो फटाफट अजान होनी तो मस्जिद में घुस जाना ठीक है और नमाज के लिए खड़े हो जाना उनके लिए आसान था हुं? क्यों ईमान तो दिल में था नहीं तो चलो चलते फिरते नमाज मस्जिद में घुस जाओ इनको पता लगे हम मुसलमान हैं लेकिन फजर के वक़्त नींद से उठना और ये प्रिटेंट करना हम मुसलमान हैं ये उनके लिए ज़रा मुश्किल बात थी रात को इशा कि वो वैसे ही नहीं पढ़ते थे यहाँ पढ़ते थे तो वो मस्जिद में जाना उनको बड़ा ही मुश्किल लगता था नींद का जो है वो अपनी वो कुर्बानी नहीं दे सकते थे लेकिन वो मजबूरन मस्जिदों में जाया करते थे फजर के वक़्त ईशा के वक़्त अपनी दिल पे बोझ डालते हुए कि हाय मजबूरी ये जाना पड़ रहा है इसलिए उन पर भारी थी ये नमाज़ें और जब भी वो इस इसका ये मतलब नहीं कि वो जहर और असर और मगरब की बड़ी खुशी खुशी पढ़ देते थे और उन पर नमाज़ बहुत बारी थी सुस्ती करते थे और नमाज़ जो पढ़ते थे वो रियाकारी के लिए यानी ये जो दरमियान वाली नमाज़ें हैं ये रियाकारी थी उनकी और बाकी जो फ़जर और ईशा ये भी रियाकारी के चक्कर में ही पढ़ने जाते थे दिल पर बोझ ले के. तो रब फरमाता है रब को तो ये बहुत हकीकत में थोड़ा ही याद करते हैं तो देखें एक बात याद रखें मुनाफिक दो तरह के होते हैं एक मुनाफिकदा होता है जो अकीदे का मुनाफिक हो जिस तरह ये उस दौर की मुनाफिकी की बात की जाए एक मुनाफिक बिल होता है ये हम भी हो सकते हैं लिहाजा अपने अमाल पे गौर किया करें हाँ अलहदुल्ल मुनाफिकदा नहीं है हम अकैदे में बुरे नहीं हैं अल्लाह का शुक्र है हम सच्चे दिल से कलमा पढ़ने वाले हैं तो ज़ुबान से करार और दिल से तस्दीक करते लेकिन मुनाफिक बिल कहीं ना कहीं मैं और आप तो ज़रूर हैं ना नमाज में सुस्ती तो करते हैं ना लटक लटक के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते अभी नहीं अभी वक़्त है अभी वक़्त अभी एक घंटा रहता है असर की जान में अभी आधा घंटा है अच्छा दस मिनट रह गए हैं वक़्त कज़ा ना हो जाए अच्छा पढ़ लेते हैं फिर एक चीज़ भी हम में है अगर हम किसी महफिल में तो हम बड़ी ज, बहुत ही अदब के साथ खड़े हो के क्याम करते हैं बड़े बड़े और तमीज़ के साथ पढ़ते हैं तन्हाई में हमारी नमाज़ वैसी नहीं होती तो क्यों क्या हम मुनाफिक फ़िल्मल नहीं होंगे क्या हम नमाज में सुस्ती नहीं करते रफर है दर हकीकत अल्लाह को तो बहुत ही कम याद करने वाले लिहाजा मुनाफिकत जो है ना वो रब्बुल रब्बुलमीन को सख्त नापसंद है और इसका अजाब जो है वो कुफ़ार से भी ज्यादा है मुनाफिक को दर हकीकत कुफ़ार से भी सख्त अजाब होगा क्योंकि वो ना इधर के थे ना उधर के वो दोनों तरफ से फ़ायदा लेने की कोशिश करते थे ना तीन में ना तेरह में रब क्या फरमा फरमार है अगली आए देखिए आयतम वन फोटी थ्री दरमियान में डगमगा रहे हैं ना इस तरफ है ना उनकी तरफ है ना इनकी यानी मुसलमानों की तरफ है ना उनकी तरफ है और इसे अल्लाह गुमराह कर दे तो इसके लिए कोई रास्ता ना पाओगे यानी ये डगमगा रहे हैं मैंने जिस तरह बात की है ना इधर की है ना उधर की है ना मोमिन है ना काफिन है उधर से भी फ़ायदा चाहते हैं इधर से भी चाहते हैं लेकिन दर हकीकत इनके साथ क्या सलूक होगा अल्लाह फरमाता है मैंने गुमराह कर दिया और इस गुमराही का अंजाम क्या है या हीनामनु ला तदाफिनना अलिया अमिनीन अतलदून तजाल सुल्तान मुबी अब इसे अगली आयत में इनका अंजाम भी मालूम होगा कुफ़ार और मुनाफिकीन का मुनाफिकीन का खास तौर पर अब इस आयत में क्या फ़रमा जा रहा है ईमान वालों मुनाफिकों को छोड़ कर सॉरी मैं रज़ू करती हूँ मुसलमानों को ईमान वालों मुसलमानों को छोड़ कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ क्या तुम ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह के लिए सदी हजत कायम कर लो यानि रब्बालमी ने कुरान करीम में बारह मुकामात पर तुम्हें मना किया मुनाफ मुनाफिकों को काफिरों को यहूद नसारा को दोस्त ना बनाओ क्या तुम ईमान वालों को छोड़ कर अपने दिल में मोहब्बत में जगह तुम इन काफिरों को देते हो क्या तुम इन लोगों से मोहब्बत करते हो लिहाजा फ़रमाया गया अल्लाह और उसके रसूल को धोखा देने की कोशिश करना नमाज़ में सुस्ती करना आमाल में रियाकारी करना अल्लाह का जिक्र कम करना तज़ब्ज़ुब में रहना यानी या इधर के हों या उधर के हों वग़ैरह वगैरह एक दर में न रहना एक साइड में न रहना एक अकीदे पे ना रहना तज्ज़ुब का शिकार रहना ये मुनाफिकीन की इामत है और फिर मुसलमानों को कहा इनसे दोस्ती नहीं करनी कुफार से दोस्ती और मोहब्बत करके तुम ये चाहते हो कि कल क्यामत के दिन बार गाह इलाही में तुम्हारे खिलाफ खुली हजत और दलील कायम हो जाए और इस दलील की बुनियाद पर तुम कुफार की तरह सख्त की मुस्क हो जाओ लिहाजा मुसलमानों तुम डरो खौफ़ खाओ अल्लाह रबालमीन से और जिन कामों के करने का उसने हुक्म दिया है वह करो और जिनसे बचने का उसने तलकीन की है उनसे हर सूरत बचो और अब अगली आयत में आयत नंबर वन फोटी फ़ाइव जरा गौर करेंनाफीन दर गिलह नसीरा अल्लाहु अकबर अस्तकफिरल्लाब मिनकुल्ल बोल है ये आयत मेरे दिल के बहुत बहुत ही मेरे दिल में ये इसकी तकलीफ़ होती है इस आयत को देख के पढ़ के मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ज़रूर ले आती हूँ और मैं अल्लाह से खौफ खाती हूँ अल्लाह ताला अल्लाह तूने एक इनाम किया कि हमें मुसलमान बनाया मुनाफिक फिलदा नहीं बनाया हमें मुनाफिक फिल्म होने से भी बचा हमें अमल हमारे अमल भी निखार दे हमारे अमल भी संवार दे हमें मुनाफ़त से बचा क्योंकि मैं जब से कुरान पढ़ती आई हूँ मैं हर आयत पे गौर फिक्र करूँ ये मुनाफ़त ऐसी बुरी चीज़ है जो अल्लाह को सख्त नापसंद है और इसका अजाब भी सख्त है अब उस अज़ाब के बारे में क्या फरमाया जा रहा है बेशक मुनाफिक दोजक के सबसे निचले तबके में है ये तबके का नाम क्या है ये तबके का नाम है हाविया और हाविया क्या है जहन्नुम का सबसे निचला तबका सबसे गहरा ये किस तरह सा का होगा यहाँ सब तबक़ों की नस्बत सब जो पोर्शन है ना जहन्नुम के सब तबकों की नस्बत सबसे ज़्यादा सख्त तरीन अज़ाब इस तबके पे होगा और तमाम तबकों के जो कुफ़ार हैं उनका ख़ून उनके फजलात उनकी पीप वग़ैरह इस तबके के मुनाफिकीन जो होंगे हाविया के उनकी ग़ा हो गई अस्तक उनकी गज़ा उनको खाने पीने को अहले जहन्न की पीप खून और फजलात दिए जाएंगे अस्तक फिरुल्ला ये मुनाफिक दुनिया में हर कौम के साथ ये करते थे मुनाफिकों मुनाफिकों की क्या थी मुसलमानों में मुसलमान का कुफ़ार पे कुफ़ार तो बज़ात ख़ुद इन पर रबालमी फरमाता है कि जो अज़ाब आएगा वो भी कुफ़ार की नस्बत इन पर ज़्यादा सख्त आएगा क्योंकि इन्होंने जो दुनिया में दोस्त बनाए अपने फ़ायदे के लिए बनाए और फिर जो नफ्स की ख्वाहिश के लिए इन्होंने फ़ैसले किए तो जहन्नुम में ना कोई नफ्स होगा ना नफ्स के बनाए हुए रिश्ते होंगे तो फिर क्या होगा तो हरगिज़ इनके इनका कोई मददगार ना पाएगा तो हरगिज़ इनका हरगिज कोई मददगार नहीं पाएगा अस्तक इस बात पर गौर करें एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं बेशक मुनाफिक दोजक़ के सबसे निचले तबके में हैं और तू हरगिज़ इनका कोई मददगार ना पाएगा कोई नहीं आएगा वहाँ मदद को लिहाजा आज अपने अमाल को निखारीए मुनाफिकत का लिबादा अगर ओढ़ा हुआ है अमल में मुनाफिकों के इस बस्ती में अपने ही बसेरे हैं मेरे मुँह पे मेरे तेरे मुँह पे तेरे हैं अगर ये वाला रवैया मेरा और आपका भी है तो आए मिल के इजमाही तोबा करते हैं क्योंकि रबॉल आलमीन तोबा करने वाले के बारे में क्या फरमा रहा है नंबर वन फोटी सिक्स और वन सेवन में मगर वो लोग जिन्होंने तोबा की और अपनी असलाह कर ली और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया और अपना दीन खालिस अल्लाह के लिए कर लिया रियत मेरे और आपके लिए भी है अगर दिल में कहीं ना कहीं इस चीज़ की शर्मिंदगी है ना कि हम गलत करते आए हैं हम में भी ये वाली ये वाली एक तरीक़ा ये आदत है कि हम भी किस महफिल में हों तो उसके और बाद में उठ के जाएँ तो उसकी चुगलियाँ कर रहे होते हैं गईबत कर रहे होते हैं तो आए मिल के तोबा करते हैं ना रब तो रहमान रही है। फरमाता है वो लोग जिन्होंने तोबा की और अपनी असलाह कर ली और फिर अल्लाह की रजी को रस्सी को यानी कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लिया और अपना हर अमल अपना दीन अल्लाह के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए खालिज कर लिया तो ये मुसलमानों के साथ हैं अब यानी ये, ये सारे काम कर लिए तोबा भी कर ली ठीक है कुरान और हदीस को भी पकड़ लिया सुन्नत को भी पकड़ लिया दीन को भी खालिस कर लिया तो अब मुसलमानों की कैटेगरी में दोबारा आ गए यानी हकीकी मोमिन वही है जो अमल और अकीदे दोनों में अल्लाह की मानता है और अनकरीब अल्लाह मुसलमानों को बड़ा सवाब देगा रब फरमाता है और अगर तुम शुक्र गुज़ार बन जाओ ईमान लाओ तो अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा और अल्लाह कदर करने वाला जानने वाला है यानी रब ने तो अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है ना तो अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम करोगे नेक काम करोगे तुम नेकी के काम करोगे तुम मेरी फरमा बरदारी मेरे महबूब की तो तुम मैंने तुम्हें अजाब दे कर क्या करना है मैं हरगिज़ तुम्हें अजाब नहीं दूँगा मैं अल्लाह फरमाता है मेरे मेरे से बढ़ कर क़दर करने वाला कौन है जो तुम्हारे अमाल की कदर करे तुम्हारे अखलास की कदर करे लिहाजा अल्लाह की बारगाह में आज से अपने अमल पेश करते हैं ख़ालस होकर मोहब्बत से और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के इश्क में आज हम तोबा करते हैं अल्लाह हम मुनाफ़त से तोबा करते हैं हम सच्चे दिल से ईमान लाने की आज से अहद करते हैं कोशिश करते हैं और रहती ज़िंदगी तक ये कोशिश करेंगे कि मुनाफत से बच के रखें एल्ला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे बेशक अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है और बेशक अल्ला कबूल करने वाला हर चीज़ को जानने वाला है अल्लाह ताली इस पूरे पारे की पढ़ने के तफ़ैल हम सब को सही मानों में मुसलमान बना दे सदक अल्लाहम वसदूल नबीजूल करीमिन शाहन व शाक्रीन ममा आलिना इबलामबी सच फरमाया अल्लाह ने जो असमत वाला है यहाँ पर हमारे पाँचवें पारे का बकायदा अख्तितम हुआ अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो सफ़र जारी है इसको जारी और सारी रखे रहती ज़िंदगी तक हमें कुरान सीखने समझने और इस पर अमल करने वाला बनाएं हम सबको नेक बना दे वैसा बना दे जैसा वो और उसके महबूब चाहते हैं अलैहि वसल्लम मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा ताजदार ख़त्म नबूत ज़िंदाबाद पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद इन शह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले पारे का पारा नंबर छः का बकायदा आगाज़ कर रहे हैं अल्लामक वरहल वर्कू